आज से तुम लेके चल रहे हैं लैक्मे सैलून, जो कि मैनी रोड ऑपोजिट कार्निवल थिएटर टांडा जिला हुशियारपुर विखे स्थित है। लैक्मे सैलून अपने इलाके में एक ब्रांड है। इतने हेयर स्किन और इसके नाल ब्यूटी नाल रिलेटेड हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। इतों का स्टाफ बहुत ही मेहनती तजुर्बेकार है। साई टीम ने स्टाफ मैंबरस ने गलबात की, दूरों दूरों लोग इतने पहुँचते हैं तो इतों की सुविधावान का लाभ लेंगे। जेकर तुम भी खूबसूरत दिखना चाहते हो तो लैक्मे सैलून टांडा जरूर पहुंचो। आओ लेके चलते हैं लैक्मे सैलून टांडा। अपने चैनल से स्वागत है। अभी आए हैं लैक्मे सैलून, एक ऐसा नाम जो सारे वर्ल्ड धूमा बजा रहा, और अज आप बैठे हाँ टांडा विखे और लैक्मे सैलून के मैनेजर मैडम गल कर रहे हैं। मैडम स्वागत है थोड़ा साडे स्पैशल शो च। थैंक यू सर। मैडम लैक्मे जो नाम आ जाता उदो लोगों एक विश्वास उन्होंने मन श्रद्धा पैदा हो जाती है। की कहना चाहोगे तुम इस ब्रांड न जुड़े हो और वह जी श्रद्धा पैदा होंगी है वह कारण यह है कि जिस तरीके के प्रोडक्ट इतने यूज किए जाते हैं जिदा थोड़े एक्सपर्ट्स जोड़े है इतने सारे ट्रेंड होंगे ने की कहना चाहोगे जी सर? बिकॉज लैक्मे दे विच यही है कि पहला तो ऑथेंटिसिटी, ठीक है, साढ़े जो भी चीज़ा है वह सारिया ओरिजिनल्स होंगे है। सैकेंड लैक्मे बेस्ड ही होंगे ये चीज़ा, असी कोई भी लोकल प्रोडक्ट असं इतने यूज नहीं करते हैं। सैकेंड थिंग हरेक परसन इतने ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वह मैनेजर है तो चाहे वह कोई एक्सपर्ट्स है, इतने हरेक कोई स्टाफ जोड़ा है वो प्रॉपर ट्रेनड हों। उस तो बाद ही असी कोई सर्विस करते हैं अपने मतलब जोड़े साढ़े आते हैं कस्टमरस। फिर सैकेंड थिंग इज मतलब उन्होंने ऑपरचुनिटीज होंगे या ग्रूमिंग सैशनस में लैके या सारा कुछ है। मतलब ये चीज़ है कि साडा जो भी इतने स्टाफ है वो टोटल ट्रेनड हों, प्रॉपर ट्रेन ही। मैडम अगर आप ब्राइड्स की गल कर लीए तो ब्राइडल दे विच ये लैक्मे सैलून जोड़ा है एक बहुत वड्डी महारत हासिल की ने, क्योंकि इतों के ब्राइडल जोड़े है उन्होंने मतलब एक ऐसा मेकअप होंगे जिद कोई भी उन्होंने चुभता नहीं है, कोई उन्होंने चमड़ी नहीं साड़ता और बहुत ईजी गोइंग ढंग के नाल उन्होंने टेस्ट के मुताबिक जोड़ा है बच्चों के स्किन के मुताबिक जोड़ा है उन्होंने मेकअप किया जाता। बिल्कुल सर, उन्होंने अकॉर्डिंग ही किया जाता। सब तो पहला तो हरेक की अपनी अपनी विश होंगी कि एक ड्रीम लुक हों सर हरेक का, सो उस ड्रीम लुक के अकॉर्डिंग ही असं उन्होंने सुजैसट करीदा है। साढ़े कोल काफ़ी कैटागरीज के आता है, जो भी उन्होंने बजट है या जो भी उन्होंने ड्रीम लुक है उस अकॉर्डिंग ही असं उन्होंने सुजैसट करीदा। मैडम की कहना चाहोगे कि लोगों के मन च एक थोड़ा जहा कई बार रहा कि लैक्मे सैलून बहुत महंगा होगा, की कहना चाहोगे कि टांडे दे विच तुसी हरेक एरिया देख के उस हिसाब के नाल ही जिहड़े हैगे रेट्स फिक्स किए हुंदे आ, और टांडे दे विच रेट जिहड़े हैगे आ वो वड्डे शहरां दे नालों थोड़े जिहे ईजी ने और आम बंदे दी पहुँच भी है। यह नहीं है कि लैक्मे सैलून जिहड़ा वड्डे लोगों दा ही आ, इत्थे आम लोग भी आ सकदे। बिल्कुल सर, इत्थे हर कोई परसन जिहड़ा है वो आ सकता है, क्योंकि इत्थे बेसिक चीज़ां भी हैगियां आ, एडवांस भी हैगियां आ। सो दोनों परसन के लिए आ, चाहे वह कोई छोटे आन चाहे वह वड्डे आन, इदा की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी इतने कि सिर्फ वड्डे लोग ही इतने अफोर्ड कर सकते हैं, कोई नॉर्मल टू नॉर्मल परसन भी लैक्मे जोड़ा है वो अफोर्ड कर सकता है। सो इदा की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। और मैडम जिदा हूँ त्यौहारों का सीजन आ गया, राखी दे तुसी ऑफर बहुत दे रहे हो, और जिहड़े पहले जिहड़े 100 कस्टमर्स आ रहे राखी वेले उन्होंने लिए तुसी स्कीम चलाइया ने, होर काफ़ी पैकेजेस जिहड़े हैगे तुसी अनाउंस किए ने नवे, उहदे बारे की कहना चाहोगे? सर साढ़े कोल काफ़ी ऑफरस है, चाहे वह ब्राइडल्स नू लैके या साढ़े हेयरस नू लैके या स्किनस नू लैके काफ़ी ऑफरस चल दिया है, जिहदे लई तुसी ऑनलाइन भी साढ़े चैक कर सकते हैं। साढ़े लैक्मे सैलून दे ऑफिशियल पेज भी है, उहदे विच भी मतलब सारा कुछ डिस्काउंट है। फिर सैकेंड थिंग यह है कि तुसी साढ़े सैलून च भी विजिट करके सानू पुछ सकते हैं। मैडम जिदा तुसी सुबह आकर पहले कौंसल कर दो सारे अपने स्टाफ नू, भाई अपन लोगों नू एक स्किन वाले लोगों ने आना उन्होंने एक वधिया नैटवर्क देना, उन्होंने नाल खुशी नाल गल करनी है, कस्टमर नू कदे इरीटेशन भी हो सकती है उहदा मन उदास भी हो सकता, असी उन्होंने नू उस वे दे नाल पहले उन्होंने पानी पिलाना है, उन्होंने सेवा करनी हैगी और उन्होंने एक ईज जोन देना, क्योंकि जो बंदा सैलून च आता तो उन्होंने एक ईजनैस मिले तो ही मतलब लैक्मे जी हैगी इन्ना अगे वध रही है। बिल्कुल सर, क्योंकि साढ़े लिए कस्टमर ऑब्सेशन सब तो पहला है, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट आंदा भी है साढ़े नाल फ्रस्ट्रेट भी हुंदा है या कुछ भी है, साढ़ा काम ही यह है कि असी उन्हों एक ईजी जोन देिए, इतने पहला असी गुड लिसनर होने चाहिए हैं, फिर उस अकॉर्डिंग ही असी उन्होंने सुजैसट करते हैं। सो इदा दे मतलब इतने आएंगे तो उन्होंने एक कंफर्ट जोन मिलेगा, एक वधिया हाइजीनिक मिलेगी, सब कुछ वधिया ही मिलेगा लैक्मे दे विच, क्योंकि ऑब्वियस है एक ब्रांड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होंगी है साढ़े लिए। सो क्लाइंट जेड़ा भी आएगा उन्हें वधिया ही इतने मिलेगा सब कुछ। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का लैक्मे सैलून टांडा में स्वागत करती हूँ। तो आइए मैं अपना सैलून आपको दिखाती हूँ एक बार। फर्स्ट हमारा रिसेप्शन एरिया आ जाता है, सेकंड हमारा रिटेल एरिया आ जाता है जिसपे सारा हेयर एंड स्किन का सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे।
तो आप सभी यहाँ पे आके बाय भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा वेटिंग जोन आ जाता है, सेकेंड हमारा आ जाता है वेटिंग जोन। वेटिंग जोन हमारा काफी कंफर्ट जोन बना हुआ है, अगर कोई मदर्स भी आते हैं यहाँ पे, अगर उन्होंने फीड करना होता है तो वो यहाँ पे कंफर्टेबली फीड भी कर सकते हैं अपने बच्चों को। अगर कोई कपल भी आ रहा है तो यहाँ पे वो रेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये काफी अच्छी जोन है बैठने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर एसी वगैरह सब कुछ फिटेड है, तो आप देख ही सकते हो ये हमारा कंफर्ट जोन एरिया है। सेकेंड वन इज, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है हेयर सेक्शन। ये सारा हमारा हेयर सेक्शन है और हेयर भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज राहुल। यहाँ लैक्मे सैलून में हर कोई हेयर की सर्विस भी ले सकता है, जैसे कि ट्रेंडिंग में कलर्स चल रहे हैं, कोई भी कलर हो, चाहे वो बाल्याश हो, ओम्ब्रे हो, सो वो यहाँ पे आके सर्विस ले सकते हैं हेयर कलर की। सो मोस्ट ट्रेंडिंग जो हेयर का जो मेन ट्रेंडिंग में चल रहा है वो हेयर कलर ही है, तो सभी आके यहाँ पे हेयर कलर्स ले सकते हैं। मैं एक हेयर एक्सपर्ट हूँ, सो जैसे भी वो कलर लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आके ले सकते हैं, कोई भी तरह की किसी भी तरह की सर्विस ले सकते हैं, लाइक जैसे रिबॉन्डिंग हो गई, हेयर स्पा हो गई, मसाज हो गई, कलर्स हो गई, तो स्मूथनिंग वगैरह हो गई, वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होता है, तो वो यहाँ पे आके कंफर्टली ले सकते हैं। अब हमारे आती है सेकंड एक्सपर्ट मिस्टर दविंदर। तो सर साढ़े को हेयर दे मतलब काफ़ी ट्रीटमेंट आए पे आ, तो साढ़े को एक ट्रेस प्लस क्लेजन ट्रीटमेंट आया है, जिसको इन्हें बोटोफ्लैक्स भी असं कहने वह बहुत बेनीफिट है सूद ये कि ब्रेकस हो गई, स्मूथनिंग हो गई, स्मूथ हो गए, शाइन हो गए, फ्रिज कंट्रोल करता है, तो कलर भी वेद करवा सकते हैं, वो बहुत सू बेनीफिट है। तो साढ़े को नैक्सट फाइबर क्लीनिक्स ट्रीटमेंट आया सर, वो भी सू बहुत बेनीफिट है, जिदा स्पा होंगी है, स्पा साढ़िया एक तो दो चीज़ा सॉल्व कर दें, तो फाइबर क्लीनिक्स ट्रीटमेंट जो है साढ़े तो चार तो पाँच चीज़ा साढ़िया सॉल्व करता है, तो वो स्पा ना बहुत बैटर रिजल्ट है, तो वह क्लाइंट काफ़ी सैटिस्फाई होकर जाते हैं, इतना उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट मिले है। नैक्सट हमारा आता है शैम्पू स्टेशन, आप देख ही सकते हो ये काफी कंफर्टेबल शैम्पू स्टेशन है, तो यहाँ पे क्लाइंट जो है आराम से लेकर भी अपना शैम्पू वगैरह करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेल सेक्शन, आप देख ही सकते हो, बाकी मेरे स्किन एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे बेटर। ये साडा मैनीक्योर और पेडीक्योर सेक्शन है, ये तुम आके अपने हैंड्स एंड फीट क्लीन करवा सकते हो और फुल रिलैक्सेशन मिलेगी। और दैन साडा नेल पेंट सेक्शन, नेल सेक्शन आता है जिद अपने नेल्स का वर्क करवा सकते हैं। हम थानू असी दिखा रहे हैं अपना फेशियल रूम, मेरे स्किन एक्सपर्ट थानू दिखाएंगे कि इहदे विच असी की प्रोवाइड कर रहे हैं। यह है साडा स्किन रूम, ये थानू फेशियल, वैक्सिंग और होर भी काफ़ी सर्विसिज मिल रही है, जिद इतने पर्सनलाइज लेके जा सकते हो अपनी सर्विस। ये होगा कि तुसी ए नहीं है कि थोड़ा बेड ते फेशियल ही। हुण असी थानू दिखाने जा रहे हैं साडा फेशियल रूम। साडे ये सिस्टम नहीं हैगा कि असी एक चेयर दे उत्ते फेशियल करते हैं, साडे पर्सनलाइज रूम बने हुए हैं एक सिंगल सिंगल परसन दे लई। सो तुसी इत्थे आके साडे फेशियल्स भी करवा सकते हैं, वैक्सिंग भी करवा सकते हैं, जो होर भी बॉडी सर्विसिज है वो थानू एक इंडिविजुअल रूम दे विच मिलणगी। सो हुण साडे दूसरे रूम्स आ गए हैं, एक साडा ए रूम है एंड एक साडा ए रूम है। पहला असीं तुहानूं प्रॉपर रूम दिखाया, हुण असीं वैसे तुहानूं रूम्स दिखा रहे हैं कि साडे कोल तीन रूम्स जिहड़े आ ओह अवेलेबल आ फेशियल्स दे लई। हुण असीं तुहानूं दिखाण जा रहे हैं साडा ब्राइडल सैक्शन, इत्थे जिहड़ी है कंफर्टेबली जिहड़े ब्राइड्स आ ओह अपना मेकअप करवा सकते हैं। इह भी साडा एक अलग ही जोन है, असीं कोई रूम्स दे विच या बाहर असीं एंट्री सैशन दे विच नहीं करदे हैगे। गुड ईवनिंग एवरीवन, लैक्मे सैलून टांडा, तो असं अज अपना ट्रीटमेंट दस रहे हैं तुम्हें। साढ़े को ट्रेस प्लस क्लेजन एक ट्रीटमेंट है जिसे बहुत तुम बेनीफिट दसोंगे असं, तो इन आप कह रहे बोटोफ्लैक्स भी कहने हैं, तो बेनीफिट तुम दसेंगे सर। ये लैक्मे के नवा ट्रीटमेंट लॉन्च होया जिदा नाम केरियन ट्रेस प्लस कोलाजन ट्रीटमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कोई सर्विस लैंदा उन्होंने मैटर की करता रिजल्ट, रिजल्ट के करके हरेक कोई क्लाइंट इतने आता भी सानू रिजल्ट वधिया मिले। सो ये ट्रीटमेंट न्यू लॉन्च होया जिहड़ा कि फ्रिज कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इहदा, प्लस जिहड़ी आ ड्राइनेस वगैरह कंट्रोल करता है। कोई भी ट्रीटमेंट लैंदे हो तुसीं, स्मूथनिंग लैंदे हो, कैराटिन लैंदे हो, सो उहदे विच की हुंदा तुहाडा कलर फेड आउट हो जाता या तुसीं कलर करवा नहीं सकते, राइट। तो उस तो बाद की है इहदे बेनीफिट मेन ये है कि तुसीं इहदे विच बाद विच कलर भी करवा सकते, कोई ड्राइनेस नहीं आएगी, कोई रिजल्ट फेड आउट नहीं होएगा, प्लस जिहड़ा इहदा कैराटीन नालों रिजल्ट आ वो बैटर भी है, तो लोंग लास्टिंग भी कैराटीन नालों ज़्यादा है। सो ये न्यू ट्रीटमेंट लॉन्च होया, सो प्राइज भी कोई इन्ना ज़्यादा नहीं है, कैराटीन नालों घट ही प्राइज ने। सो प्रमोट इन ज़्यादा करन दा यही है कि ट्रेस प्लस कोलाजन ट्रीटमेंट काफ़ी वधिया है, सो तुसीं ये ट्राई करो। गुड ईवनिंग। सो साडे कोल एक होर ट्रीटमेंट लॉन्च होया जिहदा नाम है फाइबर क्लीनिक्स,
ਸਕਾਟਸ਼ ਕਪ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਰਮਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਸੋ ਸੋਰੀ ਨਿਊ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਜੋ ਇਹ ਚ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਸ ਟਾਂਡਾ ਸੋ ਫੈਬਰਿਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਰ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਬਰਿਕ ਨੈਕਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਪਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਹੋ ਗਏ ਫ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਏ ਸਮੂਥ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ 20 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਸਿਟਿੰਗਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋ ਕਲਾਇੰਟ ਕਾਫੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਤੋ ਫਾਈਬਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚਾਵਲ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਬਰ ਕਲੀਨਿੰਗਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਸੋ ਫਾਈਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰੇ ਸੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਆ ਸੋ ਟ੍ਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਨੀਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ ਅ ਸਕਿਨ ਐਕਸਪਰਟ ਔਰ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਕਿਨ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਰੀਹਾਈਡਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਸਕਿਨ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸੀਟੀਐਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟੀਐਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀਟੀਐਮ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਟੀਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਟੋਨਿਕ ਅਤੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਦੀਪ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਕਮੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਸੀਟੀਐਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੈਂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਮਿਲਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਮਿਲਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੋਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਟਮੋਇਸ ਟੋਨਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਮੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀਚ ਮਿਲਕ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਕਮੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ